कच्चा मकान ढहने से लालापुर क्षेत्र में एक और दर्दनाक मौत। लालापुर थाना अंतर्गत पंडुआ गांव में 65 वर्षीय वृद्ध आकिल की कच्चे मकान की दीवार ढहने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले कि मोहम्मद आकिल अपनी पत्नी रज्जल के साथ घटना स्थल पर साथ में सो रहे थे, लेकिन जब कच्ची दीवार गिरी ठीक 5 मिनट पहले मृतक की पत्नी रज्जल कुरान पढ़ने चली गई और जैसे ही दीवार गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो दौड़कर भागी और देखा कि दीवार पति के ऊपर गिर गई और मोहम्मद आकिल की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों और रिश्तेदारों का रो रोकर बुरा हाल है। बताते चले कि मृतक मोहम्मद आकिल के 5 बच्चे हैं, 3 बेटे व 2 बेटियां हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। सूचना पाकर दोनों बेटियां अपने पिता को देखने पहुंच गई हैं, लेकिन मृतक के 2 बेटे महाराष्ट्र और 1 बेटा अरब में नौकरी करता है। सूचना मिलते ही मृतक के बेटे महाराष्ट्र से गांव आ रहे हैं और अरब में रहने वाले बेटे अभी आ पाना मुश्किल है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अभिषेक मिश्रा की खास रिपोर्ट। ये घटना कितने बजे हुआ है? 3 बजे। कैसे जानकारी मिली है आपको? जानकारी मिली है जब घर के लोग हल्ला मचाए तो। अच्छा, कोई किसी की मृत्यु भी हो गई है? क्या नाम था उनका? मोहम्मद आकिल। अच्छा, तो फिर घटना पे फिर कौन कौन आया? फिर मतलब गांव की जनता आई थी? गांव की जनता आई थी, तभी सामान दबा था, सामान हटाया गया था। अच्छा, पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं दी है? प्रशासन को अभी सूचना नहीं मिली हुई है। अच्छा, चलिए ठीक।